सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी दुनिया में सांपों की करीब 3000 के आसपास प्रजाति पाई जाती हैं, जिनमें से करीब 600 जहरीली होती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं 600 में से टॉप 10 सबसे जहरीले सांपों के बारे में बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले न्यू विजिटर्स चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आता है ताइपन। ताइपन ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला दूसरा सबसे खतरनाक सांप है। ये एक बार में इतना ज्यादा जहर छोड़ता है कि एक बार के जहर में 12,000 हिरणों की जान जा सकती है। इसका जहर भी न्यूरोटॉक्सिक होता है और अफ्रीकन मांबा की तरह ही इसका काटा शायद ही बच पाता है। इसके काटने के एक घंटे के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। नंबर 9 पर आता है ब्लैक मांबा। ब्लैक मांबा तकरीबन पूरे अफ्रीका में पाया जाता है और ये सांप अफ्रीका में सांपों से काटने से होने वाली मौतों में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। ये धरती का सबसे तेज चलने वाला सांप है, जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने शिकार का पीछा करता है। खतरा महसूस होने पर यह लगातार 10 से 12 बार काटता है और 400 मिलीग्राम तक जहर शिकार के अंदर छोड़ देता है। इसका जहर फास्ट एक्टिंग न्यूरोटॉक्सिक होता है और इसका 1 मिलीग्राम जहर इंसान को खत्म करने के लिए काफ़ी है। इसके काटते ही इंसान की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। अफ्रीका में ये सांप इतना ज़्यादा पाया जाता है कि अस्पताल पहुँचते ही सबसे पहले इसी सांप का एंटीडोट मरीज को दिया जाता है। नंबर 8 पर आता है टाइगर स्नेक। ये स्नेक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके अंदर बहुत ही पावरफुल न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है। इसके काटते ही 30 मिनट से 24 मिनट के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। एंटीडोट बनने से पहले इसके काटने से मौत का परसेंटेज 70 था। इसके बावजूद भी ये सांप इंसानों के लिए ज़्यादा खतरनाक नहीं है, क्योंकि इंसानों से मुठभेड़ होने पर यह सांप भाग जाता है। ये काटता उसी स्थिति में है जब ये किसी कोने में हो और भागने की कोई जगह ना हो। नंबर 7 पर आता है फिलीपिन कोबरा। कोबरा की अधिकांश प्रजातियां ज़्यादातर जहरीली नहीं होती, पर फिलीपिन कोबरा इसका अपवाद है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये शिकार को काटने की वजह उस पर दूर से ही जहर थूकता है। ये 5 मीटर की दूरी से भी शिकार पर जहर थूक सकता है। ये एक बार में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जहर थूकता है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो कि सीधे रेस्पिरेटरी सिस्टम और हार्ट पर अटैक करता है। जहर तत्काल अपना असर चालू कर देता है, सांस लेने में मुश्किल होने लगती है, नतीजा आधे घंटे के अंदर शिकार की मौत हो जाती है। नंबर 6 पर आता है सौ स्केल्ड वाइपर। वाइपर वैसे तो पूरे संसार में पाए जाते हैं और इनकी अधिकांश प्रजातियां जहरीली होती हैं, लेकिन इनकी सबसे जहरीली प्रजाति है सौ स्केल्ड वाइपर और चेन वाइपर, जो भारत, चीन और साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है। ये सांप भारत में सांपों से होने वाली मौतों में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। ये सांप ज़्यादातर बारिश के मौसम में निकलते हैं और बन जाते हैं इंसानों के दुश्मन। इसके काटने के आधे घंटे के भीतर ही इंसान की मौत हो जाती है। वाइपर के काटने से जिस हिस्से पर काटा गया है वहाँ पर तेजी से खून निकलने लगता है। पूरे शरीर में जानलेवा दर्द शुरू हो जाता है, मसूड़ों से खून निकलने लगता है और नतीजा कुछ ही समय में मौत। नंबर 5 पर आता है डेथ एडर। ये सांप ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनिया में पाया जाता है। ये सांप घात लगाकर शिकार करता है और दूसरे सांपों को खा जाता है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है और एक बार में 100 mg तक जहर शिकार के शरीर में छोड़ देता है। हालांकि ये सांप काफ़ी ज़्यादा जहरीला है, फिर भी ये इंसानों के लिए इतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि इसके जहर का शरीर पर बहुत धीरे असर होता है। इसके विष के पूरी तरह असर होने में 6 घंटे तक लग जाते हैं, इसलिए इसका एंटी वेनम
इसके इलाज के लिए काफ़ी कारगर है। नंबर 4 पर आता है रैटल स्नेक। ये उत्तरी अमेरिका का सबसे जहरीला सांप है। यह सांप इसकी पूंछ के आखिरी हिस्से पर बने छल्लों के कारण पहचाना जाता है, और जब ये अपनी पूंछ को हिलाता है तो ये छल्ले झुनझुने की तरह आवाज़ करते हैं, इसीलिए इसका नाम रैटल स्नेक पड़ा है। यह सांप बहुत ही गुस्सैल होता है और हल्का सा डर महसूस होने पर तुरंत वार कर देता है। इसकी एक विशेषता है कि इसके बड़े सांपों से ज़्यादा इसके बच्चे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इसके अंदर हीमोटॉक्सिक जहर पाया जाता है। इसके जहर के प्रभाव से ह्यूमन टिश्यू खत्म हो जाते हैं और ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। इसके काटने के 15 से 20 मिनट के अंदर एंटीडोट दे दिया तो ठीक, वरना डेथ सर्टिफिकेट तैयार हो जाता है। नंबर 3 पर आता है ईस्टर्न ब्राउन स्नेक। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला ये सांप बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके जहर का 14,000वां हिस्सा इंसान को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। इससे ख़राब बात एक और है कि ये सांप ऑस्ट्रेलिया में इंसानी इलाकों में ही पाया जाता है। इस सांप का छोटा सा बच्चा भी इंसान को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। इसकी चाल बहुत ही तेज़ होती है और एक बार खतरा महसूस होने पर ये पीछा करके काटता है। इसके काटने पर आंखों के आगे अंधेरा, खून का बहना और तेज़ दर्द जैसी शिकायतें मरीज करता है। नंबर 2 पर आता है इनलैंड ताइपन। ये सांप ज़मीन पर पाए जाने वाले सांपों में से सबसे ज़्यादा जहरीला है। इसकी एक बाइट में 100 mg तक जहर होता है, जो कि ज़्यादा तो नहीं लेकिन इतना घातक होता है कि 100 इंसानों को परमानेंट सुला सकता है। इसका जहर रैटल स्नेक की तुलना में 10 गुना और कोबरा की तुलना में 50 गुना घातक होता है। यह सांप आबादी से दूर रहना पसंद करता है, इसीलिए इंसानों से इसका आमना सामना कम ही होता है, और बाई चांस हो भी जाए तो ये बच निकलने की कोशिश करता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इसके इंसानों को काटने का मामला आज तक सामने नहीं आया, इसीलिए इसे संत सांप की भी उपाधि दी जाती है। और अब नंबर 1 पर आता है बेल्चर्स सी स्नेक। ये सांप साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह सांप इस संसार का सबसे जहरीला सांप है। इसके जहर की कुछ मिलीग्राम बूंदे ही 1000 इंसानों को मारने के लिए पर्याप्त हैं। समुद्र में पाए जाने के कारण यह सांप इंसानों के लिए इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन केवल मछुआरे ही मछली पकड़ते वक्त कभी कभार इसका शिकार हो जाते हैं। ये ज़्यादातर इंसानों से बचता है, बहुत ही रेयर केस में ये इंसानों को काटता है। सो गाइज, इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा सांप सबसे ज़्यादा जहरीला लगता है और कौन सा सांप आपके इलाके में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और एक बात, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज़ हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो चलिए, अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।